संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए अब किसान आंदोलन में जो किसानों की मदद कर रहे हैं उनका उत्पीड़न कर रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि गोल्डन ढाबा जहां किसानों की रसोई चला रहा है उस ढाबे के संचालक की कुरुक्षेत्र ब्रांच के सामने बड़े बड़े पत्थर लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर जहां आंदोलन को खराब करने और आंदोलन में किसानों की मदद करने वालों के उत्पीड़न के आरोप लगाए, वहीं मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर गोल्डन हट ढाबा है, वहां से किसानों की रसोई चल रही है। ढाबा मालिक पहले दिन से ही किसानों की मदद कर रहा है, ऐसे में सरकार को ये रास नहीं आ रहा। इसी ढाबे की दूसरी ब्रांच कुरुक्षेत्र में है जिसके सामने बड़े बड़े पत्थर लगवा दिए गए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईवे पर जितने ढाबे और पेट्रोल पंप है सरकार उनको बर्बाद करना चाहती है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका ठेका दिया जा सके। दो दिन से चल रहा है कि गोल्डन ढाबा के आगे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, पत्थर लगा दिए हैं और काफ़ी दो दिन से मीडिया पे चल रहा है। वो किसानों की बहुत सेवा कर रहा था। साथियों, अब मालूम हुआ है कि पानीपत से लेके और जलंधर तक वो सब के आगे पत्थर लगा रहे हैं। जितने भी कट हैं उन सब को बंद कर रहे हैं, जितने होटलों के आगे या पेट्रोल पंपों के आगे वो सब कट बंद कर रहे हैं। मैं ढाबों वालों से और पेट्रोल पंप वालों से, पानीपत से जलंधर तक जितने भी ढाबे और जितने भी पेट्रोल पंप हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी जाग जाए, अभी मौका है। एक बार बंद हो गए तो फिर दोबारा से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी मौका है, अभी जाग जाए। और इसका मतलब मेरी समझ में एक और ये आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ढाबे जानबूझ के बंद कराए जा रहे हैं, आगे कंपनियां ढाबे खोलेंगी और आपको 100 रुपए का चाय का कप मिलेगा। ढाबा संचालक के कुरुक्षेत्र वाले ढाबे के आगे पत्थर के बड़े बैरिकेड लगवाए जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और अन्य ने बैठक करके चेतावनी दी कि उन बैरिकेड को हटाने के लिए प्रशासन को 2 जुलाई तक का समय दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा फैसला किया, बड़ा ऐलान किया। आने वाली जो 26 जून है उस दिन पूरे देश में राज्यपालों को रोष प्रदर्शन करते हुए रोष पत्र दिया जाएगा। जितने केंद्र शासित प्रदेश है वहां उपराज्यपालों को रोष पत्र दिया जाएगा और सभी प्रदेशों में राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र दिया जाएगा। किसानों ने 26 जून के राजभवन पर प्रदर्शन को लेकर भी लोगों से पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर गांव से किसान पहुंच रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से कई महीनों से रुकी सरकार से बातचीत के लिए किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी बंद बातचीत का रास्ता कब तक खुलता है। कविता शर्मा, टोटल न्यूज़, सोनीपत।